नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन अभी तक ना तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और ना ही महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो पाई। सीटों के समझौते के लिए दोनों ही गठबंधन कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब तक फाइनल बात नहीं बन पाई। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की कुल 288 सीटें आती हैं, जहां पर अक्टूबर नवंबर में अगले साल चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य में सरकार बनाने को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। महायुति मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच ये गठबंधन है, और इस गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ साथ रामदास अठावले की आरपीआई शामिल है। इन दलों के बीच लंबे वक्त से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर समझौता हो गया है। 24 सितंबर को अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। तो वहीं पर एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो इनपुट निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी की अजीत गुट को 60 के आसपास सीटें दी जा सकती हैं और इसी तरह शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरपीआई और अन्य छोटी पार्टियों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही। हालांकि सीट शेयरिंग में कई पेच हैं और सीट शेयरिंग का पहला पेच अजीत पवार की दावेदारी। एनसीपी अजीत गुट कम से कम शिंदे इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और इसके अलावा पवार मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई जोन की भी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह शिवसेना शिंदे गुट की दावेदारी कोकरधाणे के साथ साथ मराठावाड़ा की सीटों पर भी बनी हुई है। एक पेच दरअसल रामदास अठावले का भी है, जो पार्टी की दावेदारी भी कर रहे हैं, और अठावले ने हाल ही में 12 सीटों की मांग की है। कहा यह भी जा रहा है कि अठावले की दावेदारी को भी इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। आइए अब आपको बताते हैं, जानते हैं कि आखिर महाविकास अघाड़ी में कहां कहां जो पेच है वो फंसा हुआ है। दरअसल महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस और उसके सहयोगियों का गठबंधन है, और इसमें महाविकास अघाड़ी में वर्तमान में कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल हो गई। तीनों ही दल लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के मुताबिक तीनों ही दलों के बीच 130 सीटों पर सहमति बनी। बाकी 158 सीटों का पेच अभी भी सुलझाने में तीनों दल जो है वो लगे हुए। पेच न सुलझने की वजह कांग्रेस की दावेदारी है, और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बनने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पार्टी इसके लिए लोकसभा में आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति बना रही है, और वहीं पर शिवसेना उद्धव गुट का ये कहना है कि राज्य के अंदर उद्धव ठाकरे एक चेहरा है, इसलिए शिवसेना को दरकरार नहीं किया जा सकता है। महाविकास अघाड़ी में विदर्भ और मुंबई की सीटों पर सबसे ज़्यादा पेच है, और मुंबई ठाकरे का गढ़ माना जाता है, और यहाँ करीब 36 सीटों में से करीब 20 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। और इसी तरह विदर्भ में कांग्रेस की परंपरागत सीट पर भी शिवसेना उद्धव गुट की ही दावा ठोक रही। एक पेच मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर भी दरअसल फंसा हुआ है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की ये मांग है कि उद्धव ठाकरे का चेहरा घोषित किया जाए। शिवसेना का यह तर्क है कि 2019 में उद्धव के चेहरे पर ही महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था, और महाविकास अघाड़ी को जो वोट मिला है वो उद्धव के सिंपैथी के आधार पर ही मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करने की बात कह रही है, और इन दोनों ही दलों का ये कहना है कि सीट के हिसाब से ये फैसला होगा। सीट शेयरिंग का पेच इसी वजह से यहाँ पर भी फंसा नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासी दल हैं वो किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से जनता के बीच जाते हैं, और अपनी बात को जनता तक किस तरह से रखते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।